हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एमजेडएस फूड वर्क। और आज हम आपको बताने वाले हैं ये बिसोले का जिस्ता कैसे करके डाला जाता है। तो इसका हैंडल, इसका जिस्ता भी बोलते हैं, उसको हैंडल भी बोलते हैं। इसमें आपका दो नाम है, तो इसमें आपका हैंडल कैसे करके डाला जाता है, तो ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। इसको हम आपको बताएंगे कि इसमें जिस्ता कैसे करके डाला जाता है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना है, जब ये आपकी समझ में आएगा इसका जिस्ता कैसे करके डाला जाता है। तो काफ़ी हैवी है हमारा बिसोला ये, तो चलते हैं। हेलो, तो इसका जिस्ता डालने के लिए आपको ये 15 इंची का, तो ये सागवान की लकड़ी का जिस्ता ले लेना है। इसकी जो आपकी लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, वो 15 इंची और 1 इंची ये चौड़ा है। तो इसमें जो हमारा ये हम जिस्ता डालने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपको पूरा देखना है कि जिस्ता इसके अंदर कैसे डाला जाता है। ये देखिए, आपको पेंसिल का इसमें निशान लगा लेना है, इसके जो अंदर अंदर होल है उससे थोड़ा फालतू करके। तब हम इस पर मारते हैं रंदा। तो इस पर आपको इस पर रंदा मार लेना है जिस तरह से। तो भाई ये आपको बिल्कुल गोल कर लेना है, कुछ इस तरह से चारों तरफ इसका रंदा मार लेना है। ये आपको कुछ इस तरह से गोल हो जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, अपने बिसोले में जो है ना उल्टा करके डालना है, और ये कुछ इस तरह से इसमें देखना है करके, ऊपर हथौड़े से चोट मारनी है। तो आपको जो है ना बार बार अपना इसमें डाल के देख लेना है, बार बार डालकर देख लेना है कि ठीक आया नहीं आया। उसके बाद जो है आपको इसको फिर बेक कर लेना है, फिर उसी जहाँ जिस जगह से टाइट होगा आपका वहाँ निशान आते रहेंगे, और आपको उसी के हिसाब से इसे पतला कर लेना है। लेकिन ये आपको उल्टी तरफ से इसमें जिस्ता अपना डालना है, जो आप जो भी आप बोलते हो इसको हैंडल या जिस्ता, तो आपको ये उल्टा ही डालना है अपने उसमें औजार में।
तो अब हमें फिर इसमें डाल के देख लेना है। तो ये हमें उल्टी तरफ से डालना है कुछ इस तरह से, उसके बाद फिर थोड़ी सी चोट मार लेनी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है पर टाइम लगता है इसको डालने का। ये कुछ इस तरह से आपको इसकी चोट मार लेनी है। तो अब भी इसमें थोड़ी सी रंधे की जरूरत पड़ रही है, इसको निकालते हैं फिर इसके ऊपर उतने ही हिसाब से आपको रंधा मार लेना है जितना भी टाइम लगेगा। अगर आपको बिल्कुल फिक्स अपना इसके अंदर जिस तरह फंसाना है, तो हैंडल को फिक्स करना है, तो अब थोड़ा सा और रंधा मारते हैं इस पर। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को उसे आखिर तक पूरा देखें, जब ये आपके समझ में आएगा कि हैंडल लगाया कैसे जाता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ये लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन जाएगी सबसे पहले आपको। इस वीडियो को एंजॉय करें अच्छे से और इस चीज़ को समझें। तो हम फिर अपना इसमें अपने बिसोले के अंदर इसको उल्टा डाल के देखते हैं तो अब हमारी फिटिंग कैसी आ रही है। तो इसके बाद आपको इसे अच्छे से ठोक लेना है, आपको किसी भारी चीज़ पे जो है ना इसको मारना है और इसे अच्छे से ठोक लेना है। तो आपको इसे ज़ोर ज़ोर से मारना है और ये हमारा जिस तरह बिल्कुल इसमें फिट हो जाएगा और उसके बाद हमें निकालने में भी बहुत इसे आसानी होगी। इस तरह से कुछ आपको इस पर चोट मारनी है, किसी भारी चीज़ पर आपको इसे मारना है, तो जब ही आपका जिस तरह मजबूत होगा। तो ये हमारा धीरे धीरे काफी अंदर पहुंच गया है। तो आपको अब इसे डायरेक्टली थोड़ा सा आपको इसे 200-300 फालतू छोड़ के इसे काट सकते हो। धांसी जरूरत तो ना है इसमें लाओ। ये हमारा जिस्ता पड़ के हो गया है तैयार। ये देखिए आप, ये काफ़ी ज़्यादा टाइट इसके अंदर फंस चुका है, ये अब बाहर नहीं निकलेगा। अगर हमें इसको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इसे औजार की धार लगानी है, तो इसको यहाँ से आपको उल्टा प्रेस करना है तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इस पर थोड़ी सी देख मार के सफाई करके, ये अब हमारा जिस्ता हो गया है कम्प्लीट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ये लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम जैसे ही कोई अच्छी सी वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन जाएगी सबसे पहले आपको। तो आज हमने आपको बताया है बिसोले का जिस्ता कैसे डाला जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को